अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी भाई, कहाँ से हजरत आप, कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं बम्बई से। अच्छा जी, मुंबई में कहाँ से, कहाँ रहते हैं? जोगेश्वरी। अच्छा, जोगेश्वरी में रहते हैं, माशाल्लाह। तो आप ही हैं जो मौलाना मुफ्ती जैद मजारी साहब को परेशान करते हैं? परेशान? हाँ परेशान। जी जी, फोन करके जो उनसे मुनाजिरे करते हैं। जी जी, आपका नाम क्या है? ये नाम बस आप इतना बताइए कि नाम की तफसील बताऊंगा मैं। अरे भाई, आप पहले नाम तो बताइए, फिर बताइए कि परेशान करते हैं आपने। एक तो ये तोहमत लगा दी कि परेशान करते हैं। जी तोहमत देखिए, एक बड़ा आलिम है, एक से बड़े इदारे का उस्ताद है, आप उनको फोन करके ये बोल रहे हैं कि बार बार वो बात करना नहीं चाह रहे, फिर भी आप उनको फोन कर रहे बार बार, नहीं भाई। क्या हुआ है? नहीं भाई, जब उन्होंने बोला नहीं है तो फिर दोबारा फोन नहीं किया। कौन बोल रहा है कि बार बार फोन किया? वो बोल रहे की मैं मुहाजरा मैंने बहस नहीं करना चाह रहा, फिर अब जा रहे उनसे। नहीं, दो बार बात हुई है, उसके बाद में ना मैंने उनको फोन लगाया ना फिर बाद में उनको घंटी बजाई। आप आलिम हैं क्या? नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ। कैसे इतने बड़े आलिम को फोन करके बोल रहे राहत करो, ये करो, कैसे मुताबिक? पहले भाई आप अपना तारुफ कराइए, क्या बात है वो कीजिए, फिर इंशाल्लाह आगे की बात करेंगे। जी, मेरा नाम मोहसिन सैफ है। मुफ्ती मोहसिन, मोहसिन इतना याद रखिए, मोहसिन नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, मोहसिन साहब, मुफ्ती मोहसिन साहब। नहीं मुफ्ती या कुछ नहीं, जैसे ताजरीन समझ लीजिए और तबलीग के खादिम समझ लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तबलीग के खादिम हैं आप? जी 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 जी, फरमाइए। मतलब कि वो तबलीगी जमात जिन मुझे लियासी के मुताबिक चलती है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको बेइंतहा कबूल करे भाई। आमीन आमीन। अल्लाह ताला यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नेकी पर चले की सब। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। और फरमाइए। आप मतलब खुद इकरार कर रहे कि मैं आलिम भी नहीं हूँ और आलिम को फोन कर रहे हैं और इनसे कर रहे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन आपकी क्या मतलब क्या भाई? आप मुफ्ती जैद नजरी हो, आप मुफ्ती जैद मजहरी हो? अब मैं जैद मजहरी हूँ या कुछ भी हूँ, मैं आपका नाम बताया मैंने, आपको क्या हूँ मैं बोलते भाई? मोहसिन साहब, जब आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं तो मैं आपसे गुफ्तगू क्यों करूँ इस बारे में? नहीं कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ इतने बड़े आदमी को परेशान फोन करना क्या जरूरत है आपको? आपकी उतनी औकात नहीं, आप फोन करके उनसे मुतालबा कर रहे हैं। जी 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 जी, वही तो बात तो यही है ना कि आप आदमी है, इतने बड़े इदारे के इतने बड़े आलिम को फोन करके आप मुतालबा कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे शख्स के मुताबिक मुतालबा कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ लिखते हैं और उनके खिलाफ नहीं लिखते। भाई ये क्या बात हुई? नहीं तो इतने बड़े वो जो शख्स के बारे में आप कह रहे हो ना, जो है मौली साहब साहब जो है मौली साहब साहब जो है वो डायरेक्ट और दीन के खिलाफ बोलते हैं। भले आप ना आदमी को, अरे बाप रे बाप, मोहसिन साहब मोहसिन साहब, आपकी जहनीयत को जो है ना ये एक दीमक खा चुका है। ना माने देखिए, अरे भाई आ जाता है ना तो आदमी किसी के भाई, वही वही जैद साहब को वही कह रहा हूँ मैं, वही चीज मुफ्ती जैद साहब को मैंने समझाई है कि मुफ्ती जैद साहब को भी मैंने वही बात समझाई है। अपनी औकात देखो पहले, मुश्किल समझाइए मैं अपनी औकात। हाँ भाई, हमारी तो औकात कुछ भी नहीं है भाई, हो या तुम हो, ये नहीं है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, आप मैदान लेकर चलिए। जी बिल्कुल, मैदान लेकर चल रहे हो मोहसिन भाई। जी ये हंसते की हम लोग पहले नहीं, मैदान लेकर चल रहे हो, ठेकेदार बने हुए क्या तुम? अरे भाई ठेकेदार बने हुए हो कि मुफ्ती जैद साहब तो ये हो गए और मुफ्ती साहब साहब ये मुला साहब साहब ये हो गए। अरे भाई ये सब है ना, अरे भाई मेरी बात सुनो मोहसिन भाई, औकात उनकी नहीं। अरे भाई औकात तो किसी की नहीं है, सब नापाक नुस्खे से पैदा हुए हैं, नापाक नुस्खा हो तुम भी।
ये भी सुन लो, तो नापाक नुकसान नहीं है, अशरफुल मखलूकात है, पैदा होने से नापाक नहीं हो जाता। फिर क्यों नापाक नुस्खे से जो है नापाक नुस्खे से तस्बीह क्यों दी है? बस 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 बस, अरे भाई 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 जैद साहब ने क्या बोला है वो बोलो पहले। कुछ भी जो बोला है बिल्कुल बरहक बोला है, कुरान हदीस और जो उसूल है इस्लामी शरीयत की, तो बोलो ना बात करने को। आप अपने हजरत जी को नहीं नहीं बात करो ना, नहीं बात करने तो बोलो उनको। अरे भैया भाई आप तो ठेकेदार लोग हो ना भाई, आप लोग तो ठेकेदार लोग हो, आप जो है ना वो बन के ठेकेदार बन के फोन कर रहे हो के भाई। अरे भाई मुस्तफा आमिर आलिम से सही बात करिए, सही तरीके से बात की है कि झूठी चीजें चला रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर लिख रहे हैं कि मजलूम ने ये है और जालिम वो है। अरे भाई जब तबलीग वालों का इज्तम है, तबलीग वाले जमा हो रहे हैं, तो उसमें मदरसे वाले क्या कर रहे हैं? कौन 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 मदरसे वाला तबलीग अलग कर रहे तुम? अरे भाई जब सुन नहीं पा रहे हो तो बोलो भी तो गलत मत, तो बोलो क्या पहले सुनो तो सही। मुफ्ती जैद साहब को पूछिए ना, जिस किताब की वजह से, जिस अभी उन्होंने जो है बांग्लादेश के ऊपर जो 2-4 सफा का जो पेपर लिखा है उस पे इतने मसाइल वहाँ पे खड़े हुए, उनको पूछो ना उन्होंने मजलूम किसको कहा और जालिम किसको कहा। जो लिखा है बिल्कुल बरहक लिखा है, मतलब आपको इनमें गैब हो गया बस। तो भाई वही तो बात है ना, खबरें तो बहुत सारी आती है, खबरें तो बहुत सारी आती है। जैद साहब जो है आईटी सेल चला रहे हैं, आईटी सेल चला रहे बीजेपी की तरफ से, खबरें तो ये भी आ रही है उम्मत को तोड़ने के लिए, उम्मत के अंदर इस्तेमाइयत को तोड़ने के लिए जैद साहब को खड़ा किया गया है और जैद साहब जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आईटी सेल चला रहे हैं वो उम्मत को तोड़ने के लिए, उम्मत के शामियाजे को बिखरने के लिए। अरे भाई हमने पूछा उनसे, चलो बताओ कुरान का मजाक उड़ाना कैसा, जैद साहब की हवा निकल गई इसका जवाब देने में। अरे इसका जवाब देने में हवा निकल गई जैद साहब की, अगर वो एतदाली आलिम होते, वो अगर किसी ईसाई मिशनरी के नहीं होते तो वो कहते। अरे भाई अबे जान दो भाई जान दो, तुम्हारी औकात मालूम पड़ गई ना, ठेकेदार बन के फोन कर रहे हो। अरे भाई ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब, हाँ वन साहब बोलो ना भाई, ठेकेदार साहब हाँ जी बोलो। हाँ भाई अरे भाई बोल रहा हूँ मैं, अरे भाई बोलो तो सही, अरे तो मुंह खोलने से पहले सही तो पूछो, कुरान का मजाक उड़ा सकते क्या? किसने उड़ाया, किसने उड़ाया कुरान का मजाक उड़ा सकते क्या? किसने, छोड़ो मैं ये फिर ये बात, कुरान का मजाक उड़ा सकते क्या? इधर से इधर कौन बोला उड़ा सकते भाई, बिल्कुल जायज नहीं है, जायज ही नहीं है। हाँ तो जैद साहब को जरा कॉन्फ्रेंस से लो ना, मैं पूछता हूँ, लो ना भाई लो ना, ठेकेदार साहब लो ना जरा। अरे भाई, अरे भाई ले ना भाई तुम क्या, अरे मेरे भाई ले तो सही, तुम्हें हो रहा है मशहूर और तबलीग जमात के अंदर लोगों को तबलीग। अरे भाई मशहूर कौन हो रहा है वो पता चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती जैद साहब, मुफ्ती जैद साहब झूठ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं नदवा में पूछता हूँ, उस्तादों को पूछता हूँ, झूठ है, किसको पूछते हैं चलो बताइए। वो अपने हर मकाले को और हर तहरीर को नदवा में मराबे साहब को, सईदुररहमान साहब आजमी को और वहाँ के उस्तादों को पढ़ाते हैं, ऑफिस आया करते, ये झूठ बोल रहे हैं आपके मुफ्ती जैद, आप बताओ तुम इसकी वजाहत करो। चलो मैं अगला ऑडियो डालता हूँ, अब भी ऑडियो डालता हूँ मुफ्ती सईदुररहमान साहब का। अरे भाई झूठ बोलना छोड़ो, इतने बड़े मुफ्ती है ना, तुमको बोलो झूठ ना बोले, झूठ बोल रहे हो तो कॉन्फ्रेंस पे लो ना भाई, कॉन्फ्रेंस पे लो ना। अरे भाई अब दलील दे रहा हूँ तो कॉन्फ्रेंस पे लो ना, तुम उन्होंने तुम्हारे से बात नहीं करनी है, अब लगे तुम्हारी कॉन्फ्रेंस पे लो ना मेरे भाई, मेरी कॉन्फ्रेंस पे लो ना, कॉन्फ्रेंस पे लो जरा। अरे मेरे भाई ये सब है ना, ये सब भोल बच्चन है ना, हम लोग को मत करो भाई, मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, आप लो ना कॉन्फ्रेंस पे लो ना, मुफ्ती जैद साहब को ले रहे हो, मुफ्ती सईदुररहमान आजमी को ले रहे हो, मराबे साहब को ले रहे हो, मौलाना हुसैनी साहब को ले रहे हो, किसको ले रहे हो, लो अभी झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाता है।
अरे भाई तो जाओ तुम लोग ना, तुम्हारी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा तुम तहकीक करो। अब भाई तहकीक कर दी ना तो फिर तुम क्यों बीच में जो है वो टप्पे अड़ा रहे हो? तुम क्यों फोन कर रहे हो भाई? तुमको क्या लेने देना, वो मैं कर रहा हूँ ना भाई। अरे लेकिन कनेक्शन क्यों कर रहे हो भाई? फोन मतलब करने की क्या जरूरत तुम? नहीं अभी तुम बोल रहे हो तुम फोन करो, तुम तहकीक करो, तो अभी तुम बोल रहे हो और अभी मैं को बोल रहे हो कि तुम क्यों कर रहे हो? फोन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जाके नजवा में जाके तहकीक। अरे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नजवा से पूरी तहकीक हो चुकी है। अब कॉन्फ्रेंस से ले लो मुफ्ती जैद साहब को, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा अभी का अभी। मैंने तहकीक करा, तहकीक हो चुकी है बात की, किसकी कहा है प्रूफ? किधर प्रूफ का है? तो वही तो बोल रहा हूँ, मुफ्ती जैद को एक बार तुम कॉन्फ्रेंस पे ले लो, उनसे मैं बात बुलवा लूंगा और मैं फिर देखो वो रिकॉर्डिंग नहीं चलाया 5 मिनट के अंदर तो मेरा नाम चेंज कर दूंगा मैं। चलो मुफ्ती जैद साहब को लो ना। अरे हेजवाल बन के फोन किया तो कर तो सही भाई, इतना बात तो कर, मेरी तो बात करा थी मुफ्ती जैद साहब से। क्या योगी सरकार ने उनको दिया हुआ है मौका? योगी सरकार की तरफ से काम कर रहे हो? नदवा वालों ने हाथ उठा दिया कि नदवा वालों ने ना अपने दारुल इफ्ता में एक कॉलम बना रखा है, एक डब्बा, उसके अंदर बोलते हैं इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाए, उसमें जाके देख लो सारे सवाल वही पड़े हुए, वही कीचड़ भरा पड़ा है पूरा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ भाई, वो सब छोड़ो पहले, तुम ये बता रहा हो, मैं तुम्हें ये सोच रहा हूँ मैं कि तुम तबलीगी काम कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो या फिर मौलवी साहब के लिए कर रहे हो, इसका जवाब दो पहले। सबसे पहले तुमको इल्मे गैर बोल रहा है कि मौलवी साहब के कर रहा हूँ, मौलवी साहब के लिए कर रहा हूँ कि तुमको इल्मे गैर हो गया तुमको? तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम अल्लाह रसूल का काम कर रहे हो, मौलवी इलियास का काम कर रहे हो? अभी तुमने मौलवी इलियास का काम कर रहे हो? अरे अस्तक पर पढ़ो, अल्लाह रसूल का काम कर रहे हो? मैंने ऐसा बोला ही नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही बात, मैंने ऐसा बोला ही नहीं बिल्कुल। अरे भाई आपने खुद कहा है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नहज क्या? हाँ तो ये बात है, उसी की नहज से काम करना, नहज से काम करना तो चल सब करते हैं, अभी भी चलते हैं। नहज हमारे नहज थोड़ी, नहज का मतलब थोड़ी क्या, मुझे दीन पे काम, उन्हीं का काम कर रहे काम। तो तुमको मतलब इल्मे गैब हो गया, इल्मे गैब हो गया मतलब आपको इल्मे गैब हो गया कि हम उस पे काम कर रहे हैं? अरे कुछ भी बोलो मत, वैसे ही तुमने उम्मत के अंदर सब तोड़ फोड़ के रख दिए। हाँ भाई, अरे भाई तुम्हारी सटक भी चढ़ गई क्या? तुम्हारे आजकल ठिकाने आए क्या? नहीं कहाँ के जी तुम? नहीं वो जो पूछ रहा हूँ मैं अभी हैदराबाद में छू, मिल लेता जी तुमसे, तुम अगर हैदराबाद वाले हो। नहीं छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसका छोड़ो। मैं मौला नहीं तरीका, उसने इलमे की क्या बात है, ये सोचने की बात है। तुम्हें वाकई पे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो इसको थोड़ा ये हो चुका है। अच्छा आपका हो गया? इसमें क्या बात है, जमात का जो उसूल है वो नहीं दिया गया, इसके मुताबिक चल रहा है। अच्छा, हजरत जी मौलाना साहब साहब ने एक नया मिंबर से गीबत करना ये मौलाना इलियास साहब का मिनहज नहीं है। जवाब का देना मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिनहज नहीं है। ये मौलाना अहमद लाठ साहब को समझाओ, ये बात मौलाना इब्राहिम दौला साहब को समझाओ, ये जो है फारूक बेंगलोर को समझाओ। मैं बता रहा हूँ कि मैं इनका भी नहीं हूँ, मैं मौलाना अहमद लाठ को भी नहीं किए करता, मैं मौलाना इब्राहिम दौला को भी नहीं, और फारूक अब्दुल्ला कौन है वो, उनको भी भाई फारूक बेंगलोर काम जो है भाई। हाँ फारूक बेंगलोर कौन भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो तबलीगी जमात के अंदर इंतजार हुआ है, तो अब इस इंतजार के लिए अब बाद लोग उसको अलग तरीके से इसको पेश करके लोग शोहरत ले रहे हैं। तीन चार लोग है, सालिम खान इशाती है, दो तीन लोग और है, इसमें मुफ्ती जैद मजरी है, उसके बाद जो है आमिर शेख हवाई बाबा है, उसके बाद जो है मुफ्ती कश्मीरी है, फिर उसके बाद मुफ्ती मसूद धुलियाई है, ये सब है ना कहीं नहीं थे, ये कहीं नहीं थे, ये कहीं नहीं थे। बस वो क्या करो, वो जैसे जैसे चल रहा है ना, जैसा चल रहा है ना, चौकीदार की तारीफ करो, चौकीदार की तारीफ करो, तो भाई चौकीदार की तारीफ कर दी, चौकीदार की तारीफ कर दी, वैसे ही ये हो गए कि मौलवी साहब की बुराई करो, ओ ये तो जो है नहज सलासे के ठेकेदार बन गए। जैद साहब को मुफ्ती जैद साहब जो है आसमान से मुनज़्ज़ल, मौलवी साहब जो मुनज़्ज़ल मेरा समा कोई शख्स नहीं है, कोई अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह का कोई ये नहीं है। तो ऐसा किसने कह दिया, ऐसा किसने कह दिया? ना हमने उनको नबी माना है, ना रसूल माना है, ना मासूम माना है, ना हमने उनको जो है
कतार से पाक माना है ना हमने उनको जो है, लेकिन बातिल की साजिश है कि मुफ्ती जैद मजरी साहब दामत बरकातुम आलिया जो नदवी भी है वो सिर्फ मौली साहब के खिलाफ लिखते हैं। जब उनसे पूछा जाए कुरान का मजाक उड़ा सकते हैं तो अबा चबा डबा 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 चबा अबा चबा डबा। अरे भाई सुनो तो भाई, देखो एक बात बताओ तुम्हें, तुम्हें अगर उनसे इस्तीफा करना है, सुनो इस्तीफा करना है तो इस्तीफा नामा लिखो, वहाँ पे लिखो कि भाई ऐसा सही है। भाई हमने मैं आपको एक कुछ मेरी बात सुनो ना, पांच दिन बाद हफ्ता पांच चार पांच दिन रुक जाए इंशाल्लाह इसके ऊपर मुफस्सिल जो है रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मुफ्ती साहब से बात भी हुई है, मुफ्ती साहब से पूछा भी गया है कि भाई इस ताल्लुक से आप क्या कहते हैं, यमुना नगर के अंदर जो है मौलाना इब्राहिम साहब देवला ने अरे सुनो ना भाई अभी या तो तुम बोलो या तो मैं बोलता हूँ, या तो मैं बोलता हूँ या तुम सुनो। चलो बोलो सुनो, हमने पूछा कि भाई ये हम सवाल कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे उन्होंने बयान किया ये भेज दें आपको, तो बोल रहे कि हमको मत भेजो, हमको तो मौली साहब के कीड़े भेजो, ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। तो भाई बात यही है ना, जब हम पूछ रहे हैं सामने से कि भाई हम इस ताल्लुक से आपसे पूछना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं नहीं 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 हमको नहीं जवाब देना है। तो बात सही है, तो इससे तुमने मतलब निकाल लिया तो मौली साहब की बोले बारे में बोले तो मैं बताऊंगा। भाई तो दो पांच दिन रुक जाओ मोहसिन साहब, मोहसिन साहब ये दो पांच दिन रुक जाओ, इंशाल्लाह मुफ्ती जैद साहब दामत बरकातहुम का असली चेहरा और उनकी असल चीज जो है मैंने इस्तखारा किया रब्बे फिरली वरहमनी 501 का एक बार पढ़ी, वजू किया गुसल किया फिर जो है इस्तखारा किया और अल्लाह से मांगा तो बिल्कुल मुफ्ती जैद साहब का जो है वो सामने आ गया, तो एक चीज बनाई है इंशाल्लाह उम्मत के सामने आ जाएगा वो सुन लेना। अच्छी बात लेकर आई, कोशिश कीजिए परेशान मत कीजिए, वो उनको परेशान मत कीजिए। नहीं मेरे भाई मैंने बहुत दिनों से खुदा का गुस्ताख उसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो, गलत बात है, लिख कर दो ना ये बात, लिख के दो ना नबी का गुस्ताख और अल्लाह का गुस्ताख लिख कर दो मैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का गुस्ताख ऐसा कौन बोलेगा, अल्लाह के आदमी कौन बोलेगा, वो तो लिख कर दो क्या भाई तुम लिख कर दो, फतवे में ये बात नहीं लिखी हुई है, फतवे में ये बात नहीं लिखी हुई है, फतवे के ताल्लुक से देवबंद में 52 सवाल कर लिए मैंने, अभी तक जवाब नहीं दिए उन्होंने। क्या 52 सवाल 52 सवाल तुमने तुम लिख कर दे रहे मोहसिन साहब, चलो मोहसिन साहब तुम लिख कर दो ये बात, तुम अपने व्हाट्सएप से या अपने एसएमएस से लिख कर दो दारुल उलूम देवबंद ने ये फतवा दिया है कि नबी का गुस्ताख अल्लाह का गुस्ताख किसको, तो अभी तो तुम बोल रहे हो दारुल उलूम ने फतवा दिया अल्लाह का गुस्ताख। अरे ये गैर मुकल्लिद वाले स्टाइल है ना बहुत पुरानी हो गई, हिदायत अल्लाह के हाथ में वाली बात। अरे ये नहीं बोला है, हाँ आप मुझे भेज दो ना भाई, आप भेजो आप भेजो इंशाल्लाह फिर इसका हम ऑफिशियल ऑफिशियल जवाब दे देंगे। आलिम भी नहीं हो और एक एक अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से रबजब है, मुफ्ती जैद साहब से भी रबजब है, नदवा भी रबजब है, दारुल उलूम भी रबजब है, मजाहिर भी रबजब है, मुरादाबाद शाही भी रबजब है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह। रबजब से क्या होता है भाई, ये रबजब से क्या होता है, बस वही होता है जवाब देने के लिए उसूल तो होना चाहिए ना, कम कुछ होना चाहिए ना, उसूल नहीं है इसके लिए तो ठेकेदार साहब का फोन आ गया हमको। अरे जब उम्मत के अंदर जवाब देने की सलाहियत, जब लिखते हो तो जवाब देने का भी वो देखो रखो कलेजा, मुफ्ती जैद साहब को बोलो जरा, क्या बोला सुनो मुफ्ती जैद साहब ने क्या लिखा है, एक तो उन्होंने लिखा है कि जो इनकी किताबों मोदी योगी भाई भाई मुफ्ती जैद साहब को इन्होंने लाई, अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल बेचारे खींचते हैं तुम लोगों के कारनामे है, जिसकी वजह से मौली साहब आज इस मकाम पर था, इतना जलील हो गया बंदा वो, तुम लोग शांत रहते तो बंदा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुफ्ती जैद साहब को बोलिए ना, मुफ्ती जैद साहब को बोलिए, मुफ्ती जैद साहब को बोलिए कि जो लिखना है कमा हक्का लिखिए, किसी के बहकावे में आके किसी से फंडिंग लेकर देखो एहतदाली आलिम रहेगा ना। अरे मैंने अभी उनको पूछा, हेलो ओ ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब मैंने उनको पूछा कि मुफ्ती
हमारे मौलाना सलमान साहब हुसैनी हजरत अमीर वाविया के ताल्लुक से भी जो बोला है उस पर क्या बोलोगे? तो एतदाली आलम होता तो बोलता कि नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का मौकफ ये नहीं है और मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातुहुम ने गलत बोला। तो जब मैंने पूछा ना तो सुनो तो सही, सुनो तो भाई, अभी तुम ही वाजे वाजे क्या यार, सब वाजे हो गया, सब अरे सब वाजे हो गया है, सब वाजे हो गया है। और मुफ्ती साहब ने जो है अभी वो मौलाना महबूब साहब के ताल्लुक से जो अफवाह उड़ाई उसके अंदर उन्होंने कितनी बड़ी खयानत की मुफ्ती जैद साहब ने, अल्लाह उनको जो है उनकी उम्र में बरकत दे, उनको सेहत दे। मेरी बात हो गई भाई, पांच दिन रुक जाओ, वो वीडियो ऑडियो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऑडियो भेजो, ठीक है, शुभात के हमारा आदमी है वो उस पर डालता है, उसे सुन लेना। अच्छा अच्छा, वो खवासत का इजाला वही है। ओहो माशाल्लाह, अरे क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। और मोहसिन साहब फरमाइए। अच्छा अच्छा, और फरमाइए। लेकिन भाई और फरमाइए, देखो मैं तो मैं ये बोलने के लिए फोन करा दिया। तो भाई आप कहाँ के भाई, तुम ना तो ना तुम्हारा तारुफ करा रहे ना, कहाँ से है, कहाँ से है, सकते हैं क्या? फिलहाल इतना ही काफी है मेरे लिए कि बस मेरा आवाज सुन रहा, नाम जानिए ना, आगे सुनो पहले मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना। पहली उम्मत इसकी टूट चुकी है। अब इसके अंदर देखो यूट्यूब के अंदर शुभात कह रहा, वो झूठ के अलावा तो कुछ मतलब के और दज्जालियत का मतलब के वो काम कर रहा है। ओ माशाल्लाह, इल्मे गैब, अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं हुआ, मोहसिन ठेकेदार को हो गया। अरे क्या बात है भाई, वहाँ जाके कमेंट्स पढ़ो। अरे भाई कमेंट किसके हो, किसी किसके मूवी के होंगे जो जो। अरे मेरे भाई रहने दो, रहने दो, अरे भाई रहने दो, बस्ती का कीड़ा जिसके अंदर फिट है ना वो कमेंट करता है। रहने दो भाई, रहने दो, बस 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 बस, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह आपको समझ देवे, अल्लाह आपको समझ देवे। देखो एतदाल वाला बनकर आपने फोन किया था, गैर जानबदार बनकर आपने फोन किया था, लेकिन मुझे तो आप लग रहे हैं एकदम से जहाँ बोझा वहीं सोजा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैंने बताया तुम्हें। अरे ऐसे भाई, मुफ्ती जैद साहब को हमने पूछा कि मुफ्ती मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने अमीर माविया के ताल्लुक से कहा, फिर सहाबा के ताल्लुक से कहा, तो उन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की? हमने पूछा कि कारण कुरान का जो है, अरे आगे तो हिदायत अल्लाह के हाथ में नहीं है, उसके आगे का जुमला भी तो सुनो ना फिर, और कहने वाला क्या चाह रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसूल लिखे हैं कि जब तक कहने वाला बयान करने वाले से मालूम ना कर लिया जाए तब तक के उस पर राय कायम करना, और उसको जो है उम्मत के अंदर जो इफ्ता के 18 उसूल है उसके अंदर पढ़ लो। मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, आपको तो आती होगी ना, तो पढ़ लो पता चलेगा। सुनो, हाँ भाई सुनो, अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में आपने फरमाया तो ठीक है भाई, अब मेरी एक मिनट की बात सुनो खाली। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ऐसा फरमाया कि उस शख्स से पूछ लो तक जाके कोई राय कायम करो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो शख्स बस सारे आम बस सारे मेम्बर और सीमा गांव में और इतने बड़े मरकज में आलमी मरकज के अंदर से कोई बात कहे तो अभी जो कौन सी गलत बात है? तो भाई सुनो ना, मेरी बात सुना नहीं देते, कौन सी बात गलत है? हमने 52 सवाल भेज दिए, आप बोलो तो मुफ्ती जैद साहब को भी भेज दे रहे। या अल्लाह, मेरे भाई मेरी बात तो सुनो ना, दो मिनट यार। हाँ बोलो ना भाई, सुनो ना, बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि अब एक आलमी मरकज है वो, और उसके अंदर बैठ कर कोई आदमी कोई बात करे, हाँ, अब वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका उसका मकसद हम पूछने गए और आवाम जो गुमराह हुई उसकी कहने की वजह से, उसका क्या होगा? कहाँ गुमराह होगा, कौन गुमराह होगा? मैंने जो है ना, हेलो मेरी बात सुनो, मैंने आज तक जो है ना वो बयान किसी अवाम से किसी मजमे में नहीं सुना। मनसबे रिसालत, मेरी बात सुनो, मनसबे रिसालत समझाने जाओगे ना तो ऐसी चीजें निकलेगी। आप बताओ इब्राहिम आदम अलैहि सलाम को क्यों निकाला गया? अच्छा जी, मतलब उनकी गलती को मुझे साक्षी इसलिए फिट करोगे? अरे फिट नहीं करेंगे हम, ये करेंगे कि हम ये हम जो है आईना दिखाएंगे कि लोग जो है ना कितने बेएतदाली हैं, तावीलात के दरवाजे जो है मौलवी साहब पर बंद हैं, और अगर वो कोई दूसरा हो, अधड़ हो, जमार हो, कोई भी हो, उसके ऊपर तावीलात के दुनिया भर के दरवाजे खुले हैं।
अब बताओ अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज पढ़ी, आप बताओ अल्लाह ने हुजूर की नमाज पढ़ी जनाजे की, अल्लाह ने हुजूर की नमाज पढ़ी जनाजे की? नहीं सही पदी से है, मौजू अजी से है, खतरनाक है, ये सब बात यही नहीं है, गलत है। तो लाओ फतवा लाओ पहले, तो इसका क्या है, फतवा लाओ, क्या फतवा लाओ, फतवा तो लाओ, हदीसों में ही बिल्कुल मौजू, फतवा लाओ ना, फतवा लाओ ना, फतवा तो लाओ पहले, हर चीज में फतवा मतलब फतवा खेल बन चुका है, हर चीज में फतवा खेल ही बन गया है ना, खेल ही बन गया है। मौली साहब के खिलाफ पूछो तीन दिन के अंदर जवाब आ रहा है, शुरा एजेंटों के खिलाफ पूछो तो दो साल हो गया जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या भाई, जो आदमी देखो, जो आदमी बड़ा आदमी उसकी बातें लोगों की लोगों में ज्यादा फैलती है, अब ऐसे शख्स के बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी को खत लिखो, उस पे तुमको जवाब आ जाएगा, जो बोल रहे ना बड़ा आदमी और ये सारी बात, इंशाल्लाह आपको बड़ी रहबरी होगी। क्या बात है, बड़ा आदमी कुछ भी बोलेगा अल्लाह का, अल्लाह ही नहीं बोलेंगे, उसकी बात का मैं उसका बात का उसकी बात का यही दूंगा, आवाम ने तासुर किया। अरे मेरे भाई ये ना ये गैर मुकल्लिदों जैसी बात मत करो, आगे पीछे के मनसबे रिसालत को बयान करो, मनसबे रिसालत बयान करो, चलो मनसबे रिसालत बयान करो मुझे, चलो मनसबे रिसालत क्या है, मनसबे रिसालत अल्लाह ने को हिदायत, आप क्या काम करते हो, क्या कारोबार करते हो, आप क्या कारोबार करते हो? मैं तालिबे इल्म हूं मैं। हां भाई, मैं तालिबे इल्म हूं मैं। क्या हो? तालिबे इल्म हूं मैं, तालिबे इल्म। कौन से इल्म हो? कौन से इल्म हो? तालिबे इल्म। अब तुम्हारे को पूरा मकसद तालिबे इल्म हो, तालिबे इल्म बड़ा ता है कि तो है, आज तुम्हारे को समझना चाहिए ना कि छोटी ता होंगी या बड़ी ता होंगी, वो तुम समझो। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे को तो उर्दू में तो मखरज की तकनी बोला जाता है, बोला जाता है, आप लोगों को तो वही। अच्छा फरमाइए, आपको जैद साहब ने क्या बोला, मुफ्ती जैद साहब ने क्या बोला ये बताइए। क्या मतलब? नहीं तो आपको मेरा नंबर उनसे मिला, उन्होंने क्या बोला? नहीं उनसे मेरा कोई रब्ता नहीं है, मैं नदवा का तालिबे इल्म भी नहीं हूँ, मैं कहीं और पढ़ता हूँ। बिजनौर गए आप? नहीं भाई, कहीं और पढ़ता हूँ मैं। अरे तो कहीं और का कोई नाम तो होगा जगह का, तो खैर जाएंगे जगह जाएंगे, यूपी नहीं पढ़ता हूँ, कोई और पढ़ता लेकिन। हाँ जी 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 जी, वो यूपी में चार पांच जन को ढूंढ रहा हूँ मैं बड़ी बड़ी शिद्दत से, अगर आपको मिल जाए, कज्जाब एक है, अहमदुर रहमान, कज्जाब अब्दुल रहमान, और कज्जाब एक और है जो इस्लाह उम्मत चला रहे हैं। मैं देखो मैं तुम्हारे एक बात बता दे रहा हूँ सबसे पहले कि भाई देखो, मैं तबलीगी जमात के दोनों गिरोह में से किसी का मैं ये नहीं हूँ, मैं वालों का और नामारत वालों का, बस ये मेरी बात सुन ले ठीक है। मैं पहले तबलीगी जमात में जाता था, मेरा चिल्ला तीन चार चिल्ला लगा हुआ, कर्नाटक में तीन चार चिल्ले में लगे हुए। अच्छा मैं हैदराबाद में हूँ, अगर आप इधर के हैं तो मिल लो। कहाँ हैदराबाद में, कहाँ के हैं हैदराबाद में, कहाँ के नहीं, हैदराबाद में आया हुआ हूँ अभी मैं। कहाँ पे? कोका मस्जिद में, कोका टहनी मस्जिद में। अच्छा अच्छा, तो अभी फिलहाल मैं हैदराबाद में हूँ नहीं, लेकिन वहीं रहता हूँ मैं, वहीं फिलहाल वहाँ। हाँ ये नहीं चार मीनार से आगे, हाँ नामपल्ली मल्लेपल्ली, जी 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 नामपल्ली से, नामपल्ली से आगे मल्लेपल्ली है। हैदराबाद में हमारे नगर है, वहाँ पर ही हमारा घर है। अच्छा अच्छा माशा, चलो अल्लाह पाक आपको जो है कबूल फरमाए आपके। हाँ तो भाई देखिए, भाई देखिए मैं तो जिस मकसद से किया वो ही बात हुई नहीं, वो देखो मैं ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो कि भाई उम्मत पहले से चीज बिखर चुकी है, अब तबलीगी जमात एक वाहिद रास्ता जिससे उम्मत को एक किया जाए, मुतहद किया जाए, अब ये तबलीगी जमात की इंतजार की जरिया बन रही है, तो आप जैसे लोग जो इनको चाहिए कि भाई उम्मत को मुतहद करे, या जैसे भी हो, अब ये भाई शख्सियत परस्ती में लगे हुए हैं, उधर से वो लोग बोलते हैं कि हम फिर इल्म गायब हो गया, फिर इल्म गायब हो गया, फिर इल्म गायब हो गया। हमने मुफ्ती जैद मदरी साहब दामन, देखो मेरी बात सुनो मोहसिन भाई, नहीं बात उनकी छोड़ो, उनकी बात मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, मैं अपनी एक वजाहत कर दूं आपको, फिर इंशाल्लाह आप जो है आप जो भी कहेंगे वो कहते रहिए, और आइंदा जो पांच चार दिन में ऑडियो आ जाएगी वो भी सुन लीजिएगा। हमने मुफ्ती जैद साहब दामन बरकातुम को कहा कि आप बिल्कुल जो है पकड़ कीजिए, आप बिल्कुल जो है इल्मी, आपको अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है, आप हजरत बानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास रह चुके हैं, और आपको कल्बी ताल्लुक जो है इस्लाही ताल्लुक, सुनो ना मेरी बात पूरी सुनो ना भाई यार, या तो फोन रख दूं मैं आगे तो हो गया। हाँ भाई हेलो, बोली बोली सुना करिए, बोली। तो मुफ्ती जैद साहब का एक बड़ा मुकाम है, ठीक है, आपके कलमों से लिखा गया हुआ कुछ भी जो लफ्ज है ना
वो बेमायने नहीं है, बल्कि उम्मत उसको लेती है और उम्मत के अंदर उसकी जो एक हैसियत बनती है। आम मौलवी साद साहब के ताल्लुक से लिखना बंद कर दी। तो क्या कह रहे हैं मालूम, कि मैं तो लिखूंगा और लिखता रहूंगा और मैं ये करता रहूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके कलम का सियासी फायदा, आपके आपके कलमों का और आपके जो मकाले हैं, आपकी जो तहरीरात है, उसको एक फिरका जो है उम्मत के अंदर सिर्फ उसी बुनियाद पर चला रहा है जिस बुनियाद पर वो लोग अपनी रोटी सेक रहे। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि कोई आपके जो है आपके लिखे हुए का सियासी फायदा उठाए? और फिर बांग्लादेश के अंदर इतना बड़ा मामला हुआ और आप कह रहे हैं कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है, पहले मालूम तो कर लो। तो कह रहे हैं नहीं, मैं लुई साद के खिलाफ लिखूंगा ही। तो ये मिशन पे है, वो आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। आप अपने व्हाट्सएप से मुझे अपना वो लिख दीजिए, तो अगर मेरे पास आएगी तो फौरन मैं भेज दूंगा। और सब ठीक है ना? ठीक है, दुआ की।